हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन सन 2022-23 के आवेदन पत्र मांगे गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 34 देखने को मिलेंगे। ग्रेड यूनिवर्सिटी का ए है, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप यहाँ पे जरूर आवेदन कीजिएगा। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको ₹500 पे करनी पड़ेगी। इसके यहाँ पे नियम और शर्तें रखे गए हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आपकी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फेलोशिप अवेलेबल है यहाँ पे। जो भी नियम शर्तें हैं उसको आप चेक कर पाएंगे। नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज और सीट और इसके सब्जेक्ट जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं जो भी नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आपकी यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो आपको मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी सागर डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा। इसके दोस्तों, यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन आज यानी 7 जुलाई 2022 को पब्लिश हुआ है, इसकी जो लास्ट डेट है 3 अगस्त 2022 है। ये अप्लीकेशन ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया, कैसे अप्लाई करना आगे भी ये भी हम आपको बता देंगे। इसके दोस्तों, अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई, इस पर अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। इसके अलावा इसका दूसरा ऑफिशियल ब्रोशर है, उसे भी हम देखेंगे, जहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल ब्रोशर है, जहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है ए ग्रेड प्राप्त है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आप इसे चेक कर पाएंगे। यहाँ पर हम पेज नंबर 6 पे चलेंगे दोस्तों, जहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है और यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया गया है, तो उसे हम डायरेक्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका नंबर पेज नंबर 6 है, जहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है मेंशन की गई। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है ये भी यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट से। वहीं अगर आप कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि ओबीसी के नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। इनके अनुसार आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ दे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों, आप पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो मेन पॉइंट है, हम फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो दोस्तों, ये आपके लिए पॉइंट्स मेंशन किया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, टू स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। एक तो एंट्रेंस एग्जाम और प्लस यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, और पार्ट बी में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपका 0.7 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आपका जो पेपर की टोटल मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे 70 मार्क्स रहेंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके दोस्तों ऑफिशियल साइट पे मेंशन किया गया, उसके बारे में आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग की मार्क्स की बात की गई, तो यहाँ पे अगर आप एससी एसटी से आएंगे तो आपको 5% का रिसेशन मिलेगा, और यहीं पे अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआई या नेट जेआरएफ अगर हैं क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। या फिर आपने आपके पास कोई टीचर फेलोशिप है, या आप यहाँ पे पर्सन रिलेटिंग टू हायर एजुकेशन है, शैल बी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, तो यहाँ पे आप भी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना रहेगा, आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाती है। तो ये आपके लिए पॉइंट्स है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना रहेगा। आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आएँ या फिर आप यहाँ पे नेट जेआरएफ या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू आएँ, सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना रहेगा। 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। वेटेज की बात करें तो 70 और 30 का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है, देन यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू दोस्तों जो आपका रहेगा, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, तो इनके आधार पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप मिनिमम 3 सालों में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे 6 साल आपको दिए गए हैं। अगर आप वुमेन कट हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज और यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट मेंशन की गई, तो यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट हैं उनको एक नज़र में देखेंगे। बाकी यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट भी मेंशन की गई, जिनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे जाके। ये टेस्ट कोड आप यहाँ पे याद रखिएगा, अप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे या फिर आप जब एग्ज़ाम सेंटर देखेंगे तो यहाँ पे आपके कोड महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
सब्जेक्ट एक नज़र में देख लेंगे, सीट यहाँ पे आप अपनी चेक कर लीजिए। यहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, म्यूजिक, यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडल्ट एजुकेशन, संस्कृत, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, उर्दू, योगिक साइंस, जूलॉजी, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थिएटर्स। तो ये दोस्तों आपकी 34 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी टोटल जिस नंबर ऑफ वैकेंसीज हों 134 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपकी दोस्तों कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, बाकी आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ये टेस्ट कोड हैं, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी अनुसार भी नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो एंट्रेंस टेस्ट की फीस की बात करें तो यहाँ पे अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल रखी गई है। इसके अलावा पे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एप्लीकेशन जब फॉर्म भरेंगे तो फोटो साइज क्या रहेगा ये यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा पे नीचे चलेंगे तो जहाँ पे आपकी जो एग्जाम सेंटर और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट मेंशन किया गया है, यहाँ पे टेंटिव डेट्स आपकी मेंशन की गई, तो यहाँ पे आपको 11 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट के लिए। बस यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग है वो चेंज होती रहेगी, तो यहाँ पे अपनी टाइमिंग चेक कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। ये दोस्तों यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो 34 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, तो यहाँ पे आप 11 सितंबर संडे को इस टाइमिंग के अनुसार अपना एग्जाम दे पाएंगे। नीचे चलेंगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी टेंटिव डेट्स मेंशन की गई हैं जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म 7 जुलाई 2022 से 3 अगस्त 2022 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। करेक्शन आप कर सकते हैं 4 से 6 अगस्त 2022 के बीच, यहाँ पे टेंटिव डेट्स एंट्रेंस एग्जाम की तो 11 सितंबर 2022 है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी जो आंसर की डिस्प्ले की जाएगी 14 सितंबर 2022 को, देन यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट अन्य डेट्स भी दी गई हैं, तो आप इनको चेक कर पाएंगे और यहाँ पे अपना PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो बात करें आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, तो जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सागर सेंटर ओनली यहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अन्य कहीं भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे आपका रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दी गई, तो अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या गलत एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। इसके अलावा पे सिलेबस की बात करें तो आप ऑफिशियल साइट पे विजिट करके ये लिंक दिया गया है, इस पे आप अपना सिलेबस भी अपने जो सब्जेक्ट है उनके अनुसार यहाँ पे सिलेबस देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे OMR सीट यानी आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज करेंगे और यहाँ पे आपको कैसे जो ऑप्शन है फिल करने वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी जो PhD की फीस है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई, तो ये आप यहाँ पे PhD की फीस भी अपनी चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रिफंड ऑफ फीस की भी जानकारी दी गई, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पर आप आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन का एक पेज बनाया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। और यहीं पे दोस्तों जो आपका ये एडमिशन नोटिस है इसी में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मेंशन किया गया जिसको मैंने अभी वीडियो में पहले डिस्कस किया है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे इसमें आप नोटिफिकेशन का आपको लिंक देखने को मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ से दोस्तों आपको सब्जेक्ट्स और कोड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा और आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ यहाँ पे आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे दोस्तों नंबर्स दिए गए हैं, ये यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई, इन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे जितनी भी आपने डिटेल्स दी हैं उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये आपकी PhD की जानकारी थी जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे कल PhD की जानकारी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।